मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई अपडेट में। दोस्तों जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं आज की जो नोटिफिकेशन लेके आए हैं CSL की तरफ से कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। सभी ब्रांच इसमें एलिजिबल है, आप सिविल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सभी ब्रांच इसमें एलिजिबल रहने वाली है। परमानेंट जॉब निकली है दोस्तों यहाँ से। आपकी जो CTC होने वाली है वो 13 लाख की होने वाली है, मतलब पर मंथ आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा मिलने वाले हैं। और जो आपको पोस्ट मिलने वाली है वो मिलने वाली है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की। काफ़ी बढ़िया रिक्रूटमेंट है, इसमें आपको जरूर से अप्लाई करना चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया होने वाला है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन इसको अप्लाई करता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है, मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में जाए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों आपको सभी चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, PDF सभी कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, उसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर से चेकआउट करें। दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज निकली हुई है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की निकली है। आपको यहीं से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और सभी प्रोसेस में आपको यहाँ पर वन बाय वन बताने वाला हूँ। ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की। देखिए दोस्तों ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर परमानेंट जॉब निकली हुई है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की। आप यहाँ पर लेटेस्ट डेट देख सकते हैं, यहाँ पर 1 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों। ठीक है यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, कि कौन कौन सी ब्रांच में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल के लिए। सिविल में यहाँ पर 2 पोस्ट निकली हुई है। यदि आपने डिग्री किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से 65% के साथ तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 19 वैकेंसी से, काफ़ी बढ़िया मौका है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल वाले बोल रहे थे सर आप इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज लेके आइए, तो काफ़ी बढ़िया मौका है यहाँ पर। यदि आपने डिग्री की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 65% के साथ तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम क्राइटेरिया है, यदि आपने डिग्री की हुई इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। मैकेनिकल के लिए 37 वैकेंसी से, नेवल आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी से। दोस्तों यदि आपने नेवल आर्किटेक्चर में 65% डिग्री की हुई है तो आप यहाँ पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर हम आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी से 2 वैकेंसी से। यदि आपने यहां पर इंजीनियरिंग की हुई कंप्यूटर साइंस से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों करते हैं इसमें HR के लिए भी वैकेंसी से 2 वैकेंसी से। यहाँ पर यदि आपने 65% के साथ डिग्री हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का यदि मास्टर प्रोग्राम किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब यदि हम आगे बात करते हैं इसमें जो वैकेंसी सेट नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 70 रखी गई है दोस्तों। ठीक है यदि हम आगे बात करते हैं आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। आपकी जो बेसिक पे रहेगी वो 40,000 रहेगी। आपको TA दिया जाएगा 9,280 रुपये का। HRA मिलने वाला है आपको 6,400 रुपये का। पक्स एंड एलोइंस भी आपको मिलेंगे, वो मिलने वाला है आपको 14,000 रुपये का। और अदर बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, वो है आपकी यहाँ पर 42,000 से ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,12,181 रुपये पर मंथ की सैलरी रहेगी। और यदि हम बात करते हैं CTC के रुपये तो 13 लाख रुपये आपके यहाँ पर होने वाला है। तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, इतनी लमसम सैलरी आपको किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं मिलने वाली है। यदि हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपकी यहाँ पर मैक्सिमम 27 ईयर्स रखी गई है। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपको एज आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको भी यहाँ पर क्या मिलने वाला है, रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 फेसेस में आपका सिलेक्शन होने वाला है। पहला है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 60 मार्क्स का, अपने इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग जो भी है आप उसके आधार पर आपको यहाँ पर पेपर दिया जाएगा। ठीक है ना, जिसमें आपको रीजनिंग भी दिया जाने वाला है, इंग्लिश दिया जाने वाला है, जनरल अवेयरनेस भी दिया जाएगा फेज 1 में। सेकंड फेज में आपको यहाँ पर राइटिंग स्किल, पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग वेटेज इन्होंने यहाँ पर सभी चीज़ों का रखा हुआ है। ठीक है, यदि आपको इतनी बड़ी सैलरी मिल रही है दोस्तों तो आपको यहाँ पर टेस्ट तो देना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम आगे बात करते हैं यहाँ पर आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, अप्लाई करने की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप आसानी से जाकर वहाँ पर सर्च आउट करके आसानी से आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कैटेगरी वाइज इन्होंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। क्वालिफिकेशन जिस प्रकार मैंने आपको बताया, AICTE अप्रूव किसी भी कॉलेज से, या सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी कॉलेज से, यदि आपने पास आउट किया हुआ है तो आप आसानी से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब जो वैकेंसीज होती है दोस्तों वो जैसे इलेक्ट्रिकल में अलग अलग ब्रांचेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है, मैकेनिकल में होती है, नवेल आर्किटेक्चर में होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर टूल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी होती है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है ना। यदि आप चाहें कि मैं एक या दो मिनट में आपको सभी वीडियो में बता दूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने दिया, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें पूछी गई है। अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे दोस्तों, तो उन सभी की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप आसानी से जाकर उसको भी देख सकते हैं। देखिए यदि हम आगे बात करते हैं, इसमें सर्विस बॉन्ड होने वाला है, जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर होने वाली है 750 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाली है, जिस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और किसी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं रखा गया SC ST कैटेगरी के लिए और PWD कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया मौका है आप सभी के लिए अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने की लिंक आपको यहाँ पर दी हुई है इन्होंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको जिस प्रकार मैंने बताया कि टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल रहती है हमारी सभी लिंक्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इनके ऑफिशियल ईमेल पर ही सारे चीज़ों को यहाँ पर सेंड आउट करना है। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज की ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुँचना चाहिए दोस्तों। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।